स्टूडेंट्स, टुडेज माय टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पर हम डिस्कस करेंगे आज कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। फर्स्ट इसमें सिस्टम से है यहाँ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जहाँ ऑर्गन्स कलेक्ट हो काफी उसे हम क्या बोलेंगे सिस्टम। अब डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन के ये होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, क्या कहलाएगा हमारा डाइजेशन। हम जैसे कोई भी खाना खा रहे हैं माउथ के जरिए हमारे अंदर इंटेक करेंगे और उसको टीथ की हेल्प से क्या करेंगे हम सिंपल कॉम्प्लेक्स में उसे कन्वर्ट करेंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको करेंगे। तो ये हमारी जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी डाइजेशन। हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन था द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज नॉन एज न्यूट्रिशन। मतलब जो भी हम इंटेक्ट खाना करते हैं उसका जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को यूटिलाइज करेगी और ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में जो भी हम अपनी बॉडी को फूड इंटेक करा रहे हैं उनसे जो एनर्जी प्राप्त होती है वो क्या कहलाएंगे हमारे न्यूट्रिएंट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या थे, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होता है कि जो भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे ट्रीज, एग्जाम्पल क्या था हमारा ग्रीन प्लांट्स। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं कि जो भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं यानी अदर पर डिपेंड होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे हमारे हेटरोट्रॉप्स। एग्जांपल जैसे मैन, टाइगर एक्सेट्रा। ओके इट्स क्लियर। डाइजेशन की हम बात करते हैं, तो डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन इट इज प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड एंड सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। इसमें क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को इजी तरीके से डाइजेशन नहीं कर पाती है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनकी हेल्प से हम यहाँ पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ये आप इधर डायग्राम देख रहे हैं, एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है इंटरनल। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा माउथ एंड इसको हम पढ़ेंगे वोकल कैविटी। इसका नेक्स्ट नाम और डाल सकते हैं ओरल कैविटी। दूसरा नाम हमारा यहाँ है, ये जो आप पाइप देख रहे हो इसका नाम हम दे सकते हैं फूड पाइप को हम दूसरा नाम दे सकते हैं ईसोफेगस। ठीक है, तो हमने क्या किया कि प्लेट से अपने हाथों की हेल्प से हमने फूड को इंटेक किया और जो हम फूड को इंटेक करते हैं तो वो किसके जरिए करेंगे हम माउथ के जरिए। तो माउथ हमारा यहाँ से खाना इंटेक हो रहा है और इंटेक फूड पाइप में जा रहा है यानी ईसोफेगस में जा रहा है। इसके बाद हमारा फूड यहाँ स्टमक में जाएगा, ये क्या है हमारा स्टमक। तो यहाँ हमारा स्टमक में जा रहा है खाना, यहाँ पर स्टमक 3 and 4 hours तक हमारा फूड क्या रहता है स्टमक में स्टोर रहता है। तो यहाँ हमारे स्टमक में 3 and 4 hours के लगभग यहाँ फूड हमारा स्टोर रहता है। उसके बाद यहाँ से खाना हमारा इंटेक करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा यहाँ हमारा फूड इंटेक करेगा। अब यहाँ जो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में,
ये क्या है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हमारी माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने इंटेक किया फूड को, वो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने में यहाँ हमारे टीथ हेल्प करते हैं और हमारे माउथ में एक सेलिवरी ग्लैंड्स होती है, उसके जरिए से क्या होता है कि डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से इंटेक करेगा हमारी किसके जरिए, तो यहाँ फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, तो वो हमारा एंटर करेगा इसमें फूड। दूसरा हमारा यहाँ स्टमक, स्टमक में एंटर करेगा। उसके बाद हमारी यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से आप ये ना समझें कि ये हमारे ऑर्गन्स में सबसे छोटी होती है। सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है स्मॉल है, ये हमारे ऑर्गन्स में सबसे बड़ी लार्ज में होती है। उसके बाद हमारा यहाँ से खाना एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करने के बाद क्या होता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, फूड को जो न्यूट्रिएंट्स, जो फूड से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद हमारी क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन में फूड इंटेक करा देती है। उसके बाद क्या होता है यहाँ हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उसके बाद ये हमने देखा रेक्टम है। यहाँ कुछ समय तक वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है, उसके बाद हमारा यहाँ है एनस और एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। मतलब हमारे फूड में जितनी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं और वो क्या करेंगे हमारे न्यूट्रिएंट्स को जितनी जरूरत है उतना हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद वेस्ट मटेरियल लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में स्टोर होगा और रेक्टम से बाहर एनस में निकल जाता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो हमारे जो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन की वो क्या करेगी, किसकी इसमें क्या होता है कि एसिड यूज होता है लिवर में। यहाँ हमारा ये पैनक्रियाज है, जो लीफ लाइफ स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पैनक्रियाज है हमारा, और ये हमारा गैलब्लैडर। ओके स्टूडेंट्स, गैलब्लैडर है ये हमारा और ये है हमारा लिवर। ओके, अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेशन सिस्टम हमारी पांच स्टेप में कंप्लीट होता है। अब पांच स्टेप कौन सी है हमारी, पहली है हमारी इंजेशन डाइजेशन, सेकंड एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड डिजेशन। ये हमारे जो पांच स्टेप हैं, पांच स्टेप के जरिए हमारी बॉडी में क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब बात है हमारी इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, इंजेशन क्या होता है कि हम अपनी प्लेट से खाना लेते हैं और इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, जो जो ये प्रोसेस है वो हमारी क्या कहलाएगी इंजेशन। इसमें दिया है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। दे रहा है कि टेकिंग फूड यानी हम प्लेट से जो खाना हाथों की हेल्प से जो ले रहे हैं माउथ में एंटर करा रहे हैं उस वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे इंजेशन। दूसरा है हमारा डाइजेशन, डाइजेशन अभी हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड में सिंपल फूड में यानी सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा डाइजेशन। ओके, लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा यहाँ थर्ड स्टेप यानी हमारी जो स्टेप डाइजेशन सिस्टम की वो हमारी यहाँ दो कंप्लीट होती है और तीसरे स्टेप पर हम आते हैं तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू आउट द इंटेस्टाइन वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हमने फूड को इंटेक किया माउथ की हेल्प से, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया और उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारी बॉडी में क्या किए एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किए। यानी हमारा जो थर्ड वाला स्टेप है एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी डाइजेशन सिस्टम की हेल्प से। थर्ड है हमारा एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब फूड इज टेकिंग इन द
बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? जो हमारा फोर्थ डाइजेशन स्टेप, जो डाइजेशन सिस्टम की फोर्थ स्टेप है, वो क्या है कि जो हमने फूड को क्या किया, इंटेक कर लिया। फर्स्ट में इंजेक्शन में क्या किया हमने, फूड को इंटेक किया। सेकेंड स्टेप में हमने यानी डाइजेशन में क्या किया, हमने फूड को डाइजेस्ट किया। और थर्ड में क्या, एब्जॉर्बेशन। तो थर्ड स्टेप हमने क्या किया, फूड से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किए बॉडी में। अब फोर्थ है हमारा एसिमिलेशन। तो फोर्थ स्टेप में हम एसिमिलेशन में क्या करेंगे, जो फूड से हमने जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे वो क्या है, हमें अपनी पूरी बॉडी में भी पहुंचाना है। तो वो किसके जरिए पहुंचेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा वो फूड के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या करेंगे, पूरे एंटर करेंगे। और हम फूड के जरिए से जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होगी उससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगी उन न्यूट्रिएंट्स से, और सेल्स की रिपेयर होती है। जो हमारी डैमेज सेल्स होती हैं उनसे क्या होगा कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होगी और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनसे क्या होगा, सेल की रिपेयर होगी। अब बात करते हैं फोर्थ की, इंजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन यानी जो हमारी डाइजेशन सिस्टम की जो पांच स्टेप है वो सबसे एक लास्ट हमारी स्टेप है। और इस लास्ट स्टेप में क्या होता है कि अभी तक हमने क्या किया था, एब्जॉर्ब कर लिया था, बॉडी में भी उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिए थे ब्लड की हेल्प से। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या है, हमारी बॉडी में अभी है, तो अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर कर लेता है ये उस समय के लिए। और जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको स्टोर करता है, और वो क्या करेगा, यहाँ एनएस के हेल्प से बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक बार फिर से पढ़ते हैं कि देयर आर फाइव स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यानी कि हमारे पांच स्टेप के जरिए से क्या होता है, ये डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। और वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के पांच स्टेप कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन,